नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में अजमेर के पास रूपनगढ़ में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, कोई किसान सरकार से बात नहीं करेगा। राहुल ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, उस पर बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि इनके पीछे सरकार का क्या लक्ष्य है। मंडी की हत्या करना उनका पहला लक्ष्य है। दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने वाला है। देश का सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि का है। ये 40 लाख करोड़ का कारोबार है, जो किसी एक का नहीं है। देश के 40% लोगों का कारोबार कृषि है। पीएम मोदी चाहते हैं कि ये पूरा व्यवसाय उनके 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानून का यही लक्ष्य है। देश का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। मजदूर, छोटे कारोबारी सब किसान के पीछे खड़े हैं। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी किसानों से किस बारे में बात करना चाहते हैं। जब तक आप इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेते, हिंदुस्तान का कोई भी किसान आपसे बात नहीं करेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जब ये कानून लागू होंगे, तब हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं विकल्प दे रहा हूं। हाँ, विकल्प दे रहे हैं, और वो 3 विकल्प हैं: भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे, तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने, तो आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें, तो वहां एक व्यक्ति का है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं नरेंद्र के 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य। तो कृषि क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 मित्रों के हवाले हो जाए, यही सरकार की मंशा है। बड़ा आरोप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की सरकार पर लगाया है। इस समय 2 मेहमान इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपका रूबरू करवा देते हैं उन मेहमानों से, सुजाता जी जो कि कांग्रेस से हैं, इसके अलावा राघवेंद्र सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राघवेंद्र जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आज राजस्थान के दौरे पर रहे राहुल गांधी, 2 दिवसीय यात्रा थी उनकी,
जिस तरह की आज उन्होंने बातें की वो पूरे देश भर ने सुनी है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कृषि को आप अपने दो मित्रों के हवाले कर देना चाहते हैं। पल्लवी जी, मैंने भी सुना भी राहुल जी को जी। अब मैं जो उनका वक्तव्य है उसमें हंसू या रोऊं, क्या कहना चाहता हूं ईमानदारी से मैं समझ नहीं पाया हूं। ये बात जरूर मैं समझा हूं, जो प्रधानमंत्री जी वाला विषय जो आपने लिया है वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मित्रों के हाथों में दो ये जो कृषि को देना चाहते हैं। साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, क्या कह रही है इनका कोई, अभी अगर इस विषय में जाएंगे तो इनका कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यह है, अगर राहुल गांधी के सामने आप शकरकंदी और आलू रख दो तो ये पहचान नहीं पाएंगे। ये उसी परिवार के लोग हैं जो कहा करते थे, इनके देश के प्रधानमंत्री थे वो कहा करते थे मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, इनसे 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे खाक प्रधानमंत्री थे आप क्या? ये वही लोग हैं, इनके परिवार की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये वही परिवार के लोग हैं जिन्होंने 57 साल देश पर शासन किया लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ईमानदारी से किसानों के साथ में है, किसानों के हितों के लिए काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। किसानों को लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 1 रुपया किसानों को मिलता है। अगर मैं योजनाओं गिनाऊं तो 1 सैकड़ा की योजनाएं हैं किसान सम्मान निधि को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के, गरीबों को शौचालय से लेकर के, बिजली को लेकर के और जो गैस कनेक्शन को लेकर के निःशुल्क सैकड़ों योजनाएं हैं इस तरीके की। अभी हमने कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया। अब ये क्या बात करेंगे हमारे, जब देश के कृषि मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं करते सुनना चाहते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं सुनना चाहते, यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई, हम लोग लगातार 12 बार बैठ के कर चुके किसानों के साथ, किसानों के साथ हम लोगों का समन्वय स्थापित है, निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किसानों को वार्ता के मेज पे आना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 फोन कॉल की दूरी पे, लेकिन हमें ये राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और उनका परिवार वर्तमान में एक, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, विदूषक की भूमिका में है। ये लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये पूरे देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। ये अपनी विश्वसनीयता देश में भी खो चुके हैं, प्रदेश में भी खो चुके हैं। अगर इसी प्रकार की गतिविधियां रही, बिल्कुल लौट रहे हैं सर आपके पास, एक प्रतिक्रिया सुजाता जी से भी ले लेते हैं, वो भी काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, राहुल गांधी जब भी वक्तव्य देते हैं उसके बाद कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से आती है। वो बार बार यही बात कहते हैं कि उनके भाषणों को कोई ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। के तहत जो खबरें आती हैं लगता है इनके पास वो पहुंची नहीं है, और ये जो बातें बोल रही हैं ये पुरानी वाली बातों को दोहरा रहे हैं, गांधी परिवार और राहुल गांधी क्या बोलते हैं। भाई अगर गांधी, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं उसका महत्व नहीं है तो ये बिलबिला क्यों रहे हैं, ये दिलों से निकल कर बाहर कैसे आ गए, ये चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, ये हाहाकार क्यों मचा है, ये चीत्कार क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी 135 करोड़ के देश में वो नेता है, वो व्यक्ति है जिसके दिल के अंदर इस देश के लोग हैं। वो उस दादी का पोता है जिसने इस देश का भूगोल नहीं पाकिस्तान का भूगोल बदला। इनके नेता हमारे देश का भूगोल आज बदल रहे हैं जब प्रचंड बहुमत की सरकार है। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, तो जो बात वो कह रहे हैं उनको हर व्यक्ति सुन रहा है। आज देश का किसान जिस प्रकार से सड़कों पे है, उस आवाज को अगर किसी ने संवेदनशीलता के साथ सुनी, प्यार और भाईचारे को बनाए रखने, तो वो एक नाम, केवल एक नाम है राहुल गांधी का। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के इन नेता जी से कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक उन 200 से अधिक किसानों के लिए एक शब्द क्यों नहीं निकला। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि नरेंद्र तोमर जी संसद में खड़े होकर झूठ कैसे बोलते हैं, और मैं झूठ के बारे में बताती हूँ। उन्होंने एक झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी की आईटी चैनलों से बढ़ाया। ये झूठ है कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून पंजाब में है उसके बारे में भ्रमित करा।
वो कानून 2013 में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके तहत जो किसान है उसको जेल हो सकती है। और जब अध्यादेश के तौर पे 4 जून को ये इस कानून को लाने का पहला स्टेप ले रहे थे और उस वक्त अडानी के साइलोस के लिए 100 एकड़ भूमि का भूमि जो स्टेटस है उसको चेंज किया जा रहा था लैंड यूज, उस वक्त किसान हाहाकार कर रहा था, परहेज सुन नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब ये कानून बना बिना मत विभाजन के केवल ध्वनि मत से, किसान खड़ा था। और उसके बाद अक्टूबर में पंजाब की सरकार ने क्या किया, पंजाब की सरकार ने पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया अक्टूबर 2020 में इन कानूनों को निरस्त करने के लिए। बिजली वाला कानून है उसको निरस्त करने के लिए, जो अभी आया नहीं है, जो बिल लाया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो तीनों कानून ये ला रहे हैं उसमें उन्होंने अपने अमेंडमेंट करके 3 नए बिल पारित करे। इस वक्त वो बिल जो है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए इंतजार कर रहे हैं। तीसरी चीज, सीपीसी में जो सेक्शन 60 है उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि 2.5 एकड़ से कम जमीन जिसकी है उसको जेल में ना डाला जाए, एमएसपी गारंटी हो इसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की दहाड़ से डरा हुआ है, दिलों से बाहर आया है और केवल झूठ की राजनीति कर रहा है, मगर देश देख रहा है, किसान देख रहा है, जन जन देख रहा है, मजदूर देख रहा है और देश का छोटा दुकानदार भी देख रहा है और देख रहा है कि ये प्रचंड बहुमत की झूठी सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने के पहले उन्होंने अपने चुनावी भाषण में झूठ परोसा और कहा था कि मेरे आते ही सबसे पहला हस्ताक्षर उस फाइल में करूंगा कि किसानों को 1.5 गुना लागत मिली। कब हुआ वो हस्ताक्षर, पूछिए नेताजी से, बहुत सारे सवाल है, आगे भी पूछूंगी। ठीक है, बोलिए राघवेंद्र जी, सवाल तो आपने सुनी लिया होगा। नहीं, सवाल सुने हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, लेकिन कंटेंट के रूप में मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 6,000 रुपए वार्षिक। उसके अलावा मैंने योजनाएं पिछली बार गिनाई, उन सभी योजनाओं में किसानों के बराबर की भूमिका है, ऐसा नहीं है कि सड़क ले। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी लंबा चौड़ा जो वक्तव्य दिया, आधा सच्चा और झूठा क्या मिला के परोसती रही, ये बताइए, 57 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसानों को निःशुल्क चीज देने का काम किया, बिना पैसे के एक काम भी आए, ये बताइए, 80 करोड़ किसानों को निःशुल्क भोजन महीने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, खोलने दे रहे हैं। आप लोग लफाजी के अलावा कुछ नहीं करती है। राहुल गांधी कितने गंभीर व्यक्ति है, कांग्रेस के जो सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी की गंभीरता पूरा देश देख रहा है, उनको सामान्य शिष्टाचार तक का भरोसा किस तरीके से बोलना चाहिए उसका नहीं ज्ञान है। आज मैं किसी चैनल का कोई प्रमोशन देख रही थी, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्रा गया, बिल्कुल सही है, और अगर पाकिस्तान थर्राया है तो शायद कभी कल भूकंप आया था। मगर आप मुझे बता दीजिए कि किसानों के मरने पर क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री क्योंकि ये तो ये कानून की बात नहीं, ये आपके और मेरे बड़े होने के तरीके पर सवाल उठाता है, ये हमारे धर्म पर सवाल उठाता है, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म ये कहता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है उसे श्रद्धांजलि तो वैसे भी दी जानी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और लड़ाई झगड़े तब तक होते हैं जब तक कोई जीवित है, तो जो किसानों की मृत्यु हो गई तो उनके लिए आप क्यों नहीं खड़े हुए? ठीक है सुजाता जी, बिल्कुल अभी रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए, बुलेटिन में हमें रुकना है, ब्रेक के उस पार इस मसले पर
पर चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है सर, आखिर विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दिया ही क्यों जा रहा है? अभी किसी तरीके से किसी बात पर कोई आना ही नहीं चाहता। ना तो आप कॉल कर रहे हैं कि उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रण दे दिया जाए और ना ही किसान संगठन ये सोच रहे हैं कि अब हम आगे बढ़कर पहल कर लें। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि ये मसला लंबा खिंचेगा और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। पूछ कौन रहा है? किसान तो कह रहे हैं मैं तो राजनीतिक दलों से दूरी बनाए हुए हूँ। वो बार बार कह रहे हैं मैं किसी नेता को आने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ। किसान नेताओं ने कहा था जो भारत बंद का आह्वान हुआ था, कोई भी राजनीतिक दल अगर समर्थन करता है तो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मेरा समर्थन करे। लेकिन फिर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सरीखे राजनीतिक दलों के लोग अपना झंडा लेकर के पहुंच गए। भाई किसानों की बात है, भारत सरकार अपनी चर्चा कर रही है, अपना पक्ष रख रही है, किसान अपना पक्ष रख रहे हैं। राहुल गांधी अपनी एक पटरी लेके बीच में क्यों पहुंच जाते हैं? जिस व्यक्ति को नहीं पता 57 साल देश में शासन किया है, ढेला भर काम नहीं किया है, जिसकी प्रतिनिधि बैठी हुई है, कोई 5 काम गिना दे किसानों के हितों के लिए किया हो, नहीं गिना सकती है? ये नहीं गिना सकती है, राहुल गांधी नहीं गिना सकते हैं। तो ये लोग है कौन बीच में, कौन खामखा? भाई जब किसान नेताओं से सरकार की बात हो रही है, किसानों से सरकार की बात हो रही है, 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, तो आप कौन? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है ये लोग जो है राष्ट्र विरोधी काम करने में कदई विरोध नहीं किया करते हैं। मैं याद करना चाहता हूं धारा 1977 की बात, जब इन्होंने भारत सरकार, जब देश से जनता पार्टी का शासन हुआ था तो इंदिरा गांधी ने भिंडरा वाले का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि आप खालिस्तान की मांग करिए, भिंडरा वाले ने खालिस्तान की मांग की, देश में व्यवधान पैदा किया। और इसी बात सुनिए, आप बात सुनिए, सच्चाई सुनिए बिल्कुल। और जब भिंडरा वाले ने मांग की, उसके बाद जब किसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने स्वयं मंदिर का अपमान करने में कोई गुरेज नहीं की, हमारी देश की फौज को जूते पहनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश कराया। ठीक है, बड़े मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है और पीछे सवाल पूछा जाता है तो आप बार बार इस बात पर क्यों आ जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, वर्तमान में रह लेते हैं ना सर, मोदी सरकार क्या कर रही है? बात भी कुछ कुछ कहने के लिए नहीं है भाई, 57 साल शासन किया है तो बात तो किराया देंगे, 57 साल शासन किया जवाब तो देना पड़ेगा, 57 साल आपने शासन किया जवाब तो देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी कुछ कहते हैं, राहुल गांधी सरकार बनाते हैं,
एक एक करके बात करेंगे राघवेंद्र जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। बोलिए सुजाता जी। हाँ, मैं तो खुद राहुल गांधी जी के बारे में, अरे भाई सुन लीजिए, अरे ठंड लगती है इतने भूत मत के पटवाइए। सुनिए, कानून कानून रद्द होंगे तभी होगी, राघवेंद्र जी बात सुनिए, अगर उपलब्धि की बात है तो देखिए आपको भी तो दो बार बिठा दिया ना सत्ता में लाकर, ठीक है, नहीं थी उनके पास उपलब्धि इसलिए दो दो बार आपको भारी बहुमत से जिताकर वो सत्ता में लेकर आए हैं। अब आपके खाते में क्या उपलब्धि है कि हम बिना पूछे बिना बताए कृषि कानून ले आए, अध्यादेश ले आए, ये आपकी उपलब्धि है, और उसके बाद 80-80 दिन तक किसान सरहदों पर बैठा रहता है, बॉर्डर्स पर बैठा रहता है, ये आपकी उपलब्धि है, 200 किसान शहीद हो जाते हैं, ये आपकी उपलब्धि है, ये बताएंगे आने वाले समय में जब आप कभी विपक्ष में बैठे होंगे तो ये कहेंगे आप? पल्लवी जी, हमारी सरकार ने कहा था कि जो धरने पर बैठे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन किया था, बच्चों वृद्धों को याद हटा दीजिए, तो क्यों ये लोग बैठाने हुए भाई धरने प्रदर्शन में? ये बात जो श्रद्धांजलि देते हैं इस प्रकार की आगे घटना ना हो, लेकिन जब इस प्रकार की इज्जत ये लोग कर रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हम सबके प्रधानमंत्री जी है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि गरीब है गरीब गरीब करके इन्होंने खुद उनको अपमानित किया, क्योंकि भारत माता का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बन जाए वो गरीब नहीं, वो दिल का अमीर होना चाहिए, दिमाग का अमीर होना चाहिए और मन का अमीर होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है जो जन की बात करे, जो लोगों की बात करे, जो लोगों को साथ लेकर चलकर ले जाने की क्षमता रखता हो। लेकिन अगर किसानों के मुद्दों को ये सुलझा नहीं पा रहे हैं, दो लोगों की सरकार और दो लोगों के लिए सरकार, केवल चार लोगों की सरकार नहीं चलेगी। ये प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस इन्वेस्ट करने की इनकी जो कोशिश है वो नाकाम हो गई है, क्योंकि किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, 67% है, वो आज सड़कों पे बैठा अपनी बात कह रहा है। और ये केवल किसानों का मुद्दा ही नहीं रह गया, ये जन जन का मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दे हम सबको प्रभावित करते हैं, इन महाशय को भी प्रभावित करते हैं। जिस दिन इनके घर में खाना नहीं होगा और ये अपनी ही भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे, तो उन दिन इन्हें पता चल जाएगा कि ये देशभक्ति इनकी कहाँ गई। अब जहाँ तक बात है राहुल गांधी की, मैं तो वापस राहुल गांधी से आना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा है कि मंडी की हत्या करना ही किसान कानूनों का जो लक्ष्य है वो है, इसलिए जब तक ये कानून पीछे नहीं हटेंगे, आप बार बार बुला के हमारे किसानों को अपमानित करते हैं, उनके वार्ता के नाम पर क्या करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, कृषि मंत्री फोन करते हैं, वापस आते हैं, चाय पानी होती, बस अगर ऐसा ना होता महाशय, अगर ऐसा ना होता तो समाधान क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने इलेक्शन कैंपेन में जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, हम सोचते थे कि जब वो सरकार में आएंगे तो ना जाने क्या कर पाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केवल दो लोगों के लिए ये दो लोग सरकार चला रहे हैं, और उन दो लोगों का नाम हमने नहीं लिया, इनके अपने मंत्री जब राहुल गांधी जी ने कहा दो लोगों के बारे में, तो ये खड़े होकर अपने आप नाम लेने लग गए। इसका मतलब है कि चोर की झाड़ी में चिंता महोदय, और
इनकी दाढ़ी में झाड़ी है। तो इस बात को समझ लीजिए कि आपको अंदर जाना होगा। अगर आप सचमुच में भारत माता के बेटे हैं तो अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी आवाज को उठाकर अपनी सरकार को बताना होगा कि जो सत्र पे बैठा है वो आपका वोटर था, वो इस देश का मालिक है। देश के मालिक दो लोग या चार लोग नहीं है, उनकी मैनेजर बन के अगर सरकार चलाई जाएगी तो देश का जन जन सामने आएगा और अपने खून का एक एक टुकड़ा कुर्बान कर देगा अपने अन्नदाता के लिए, जो आप करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप सक्षम नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, एक मिनट बचा हुआ है सर, मैं जल्दी से आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। देखिए आखिरी कमेंट ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं सदन में, सदन की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कानून वैकल्पिक है। और सदन में ही हमारे कृषि मंत्री जी पूरा पक्ष रख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पूरी कह चुकी है, कृषि विशेषज्ञ बात कह चुके हैं, और ये बात मानिए जो किसान है वो बात भी समझ रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती ढींगा मुस्ती कर रहे हैं, कोई हटकर्मिता से बात नहीं बनेगी, ये बहुत जल्दी ही इसका रास्ता निकलने वाला है। हमारे किसान मित्र जो है वो निश्चित रूप से बातना की पेश बनाएंगे, बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वार्ता समाप्त होने वाली होती है तो बीच में घी में आग डालते हैं, मिर्ची डालने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से किसानों के साथ में है, लगातार काम कर रही है और ईमानदारी से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित है और हम लोग किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए वैकल्पिक। ठीक है, अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कृषि कानून रद्द होंगे या फिर बीच का कोई रास्ता निकलेगा और सरकार और किसान संगठनों के बीच आखिर बातचीत एक बार फिर से कब पटरी पर आएगी, ये भी वक्त ही बताएगा और देखने वाली बात रहेगी। यहाँ आप दोनों ही मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की बात एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। वो आज राजस्थान में थे और वहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए भारी प्रहार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर किए हैं, जिसके बाद से सियासी पारा गर्म है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।